जीजो पूरे शीशे नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी के इस खास पेशकश में। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति और उन्हीं के साथ साथ राकेश बिनी शर्मा और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट निशांत सूद आप लोगों के बीच में है। और मैच है फाइनल यहाँ पर दलाश में चल रहे जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है उसके कबड्डी का फाइनल हमारे बीच में है और मैच प्रॉमिसिंग होने वाला है। हमारे बीच में एक महादेव वॉरियर्स देवठी की टीम है और दूसरी तरफ राजपुरा की टीम हमारे बीच में शुरू हो गया है और मैच शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं थोड़ी बारिश भी यहां पर हो रही है, थोड़ी हल्की हल्की बारिश के बीच में मैच शुरू हुआ है। उम्मीद है कि ये बारिश रुक जाए और सारे का सारा मैच जो है इस समय पर आप लोगों को अच्छे से दिखा पाए। आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर बेहतरीन और कि आप साथ में रनिंग कमेंट्री भी करते रहें, ये पब्लिक डिमांड है। धन्यवाद चौहान साहब। तो फाइनल मैच अब आप लोगों के बीच में है, हमारे बीच में महादेव वॉरियर्स और उसी के साथ राजपुरा की टीम यहां पर खेल रही है। एक बार दोनों टीमों के लिए जोर से तालियां बजा दीजिए, लड़के लोग सीटियां बजा देंगे तो मजा आ जाएगा। अरे थोड़ा जोश दिखाइए, कमाल क्या बात है, अब लग रहा है कि फाइनल हो रहा है। और फाइनल मैच की अगर हम बात करें, हमारे बीच में शुरुआती रेड्स अभी चल रही हैं, शुरुआती मिनट हैं, अच्छा सा मौसम बना हुआ है और उम्मीद यही है कि इसी तरह से बना रहेगा। हमारे बीच में राजपुरा की ओर से रेडर यहां पर रेड करने के लिए आए हैं, ऊंची कद काठी 6 फुट 4 इंच के हैं, रीच भी बहुत बढ़िया है और हाथ खोल के यहां पर प्रयास कर रहे हैं एक टच पॉइंट यहां पर लेकर जाए अपनी टीम के लिए। फुटवर्क अच्छा, अभी किसी प्रकार से कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। एक अंक यहां पर मिलेगा महादेव वॉरियर्स के रेडर अब राजपुरा के खेमे में। फुटवर्क यहां पर बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ यहां पर आगे की ओर बढ़ते हुए ओपन में ही हमारा फाइनल मुकाबला है, कबड्डी का ये फाइनल मुकाबला है। एक अंक यहां पर मिलेगा। अब आप लोगों के बीच में जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन सब लोगों को भी हम लोग कहना चाहेंगे कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जो यहां पर देख रहे हैं और दूर रेफरी साहब दूर आपके बंधुओं को यह मैच पहुंचाना चाहते हैं वो स्ट्रीम को शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपके बीच में मैच का आंखों देखा हाल, महादेव वॉरियर के रेडर यहां पर आ रहे हैं। शुरुआती समय है, थोड़ा गर्म होने में समय लगेगा, आप लोगों के जोश की यहां पर ज्यादा जरूरत है। जोश अपनी तरफ से दीजिए, तालियां बजाते रहिए और उसी के साथ चीयर कीजिए जिस भी टीम को आप यहां पे चीयर करना चाहते हैं। और यहां पर अच्छा टैकल, कोशिश बहुत अच्छी थी लेकिन अंक निकाले 2 अपनी टीम के लिए। स्कोर इस समय पर 3 अंकों पर है राजपुरा और 3 ही अंकों पर हमारे बीच में महादेव वॉरियर। फिर से हमारे बीच में लंबी कद काठी के प्लेयर हैं और उसी के साथ प्रयास यही है और पकड़ने का कोशिश, लेकिन मैंने जैसे कहा कि रीच बहुत ज्यादा है, 6 फुट 4 इंच के ऐसे ही हैं और उसके बाद जब हाथ खोल रहे हैं तो 7 फीट के आसपास पहुंच जाते हैं। रेफरी का डिसीजन आ चुका है। सतनाम 5 नंबर रेड देते हुए महादेव वॉरियर्स की तरफ से देवटी की टीम है। फुटवर्क अच्छा, बोनस निकालने की कोशिश। किसी प्रकार का रिस्क दोनों टीमों में से कोई नहीं ले रहा, खाली रेड वापिस आना पड़ेगा खाली हाथ। हमारे बीच राजपुरा की ओर से रेड अब। इसी के साथ जो ऑनलाइन हमारे कमेंट्स हैं मैं चाहूंगा प्लीज। महेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेंद्र कश्यप नंबर 1 चैनल लाइव टाइम्स टीवी, थैंक यू सो मच। संजय चौहान सर गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग हो चुकी है क्या
यहाँ पर आगे की ओर राजभर की टीम। अच्छा प्रदर्शन उनका अभी तक रहा है दोनों टीम्स का। सद्दाम थोड़ा अग्रेसिव कोशिश जरूर है लेकिन अभी तक सफलता वैसी नहीं मिल पाई और शुरुआती सफलता ही देखिए। मैच बहुत महत्वपूर्ण और क्या बात है, टैकल अच्छा था लेकिन बहुत आराम से यहां पर सेंटर लाइन तक पहुंचे, तीन अंक लेकर गए हैं अपनी टीम के लिए और स्कोर पहुंचा दिया अपनी टीम का 6 पर और इस समय पर महादेव वॉरियर 6 राजपुरा 5। गोपू जी बहुत आगे बढ़कर खेल रही है, दूसरी टीम अग्रेसिव मोड में है लेकिन इससे नुकसान यह होता है कि सेंटर लाइन के पास रेडर बहुत नजदीक रहता है और रीच में रहती है सेंटर लाइन, लेकिन स्ट्रेटेजी अपनी अपनी हो सकती है, देखते हैं किस स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं। अंक मिलेगा, बराबर हो चुका है स्कोर इस समय पर 6-6 का। अच्छा फुटबॉल का अच्छा है लेकिन अंक निकालना यहाँ पे जरूरी, पहला हाफ अभी चल रहा है और उम्मीद यही है कि धीरे धीरे मैच में तेजी आएगी। आप लोगों को रिजल्ट्स भी बता दें, वॉलीबॉल का मैच हमारे बीच में फाइनल हो चुका है, शिमला ने मतियाना को उसमें पटकनी दी है। संजय ठाकुर जी शिमला ने मतियाना को हराया है, बलजीत ठाकुर हमारे साथ बेस्ट टीम राजपुरा जी बिल्कुल। और नरेंद्र राणा जी लिखते हैं कहां पर हो रहे हैं ये जी, कुल्लू जिला के तलाश में हो रहे हैं। महेंद्र पांडे लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून जी। एक बार फिर से यहां पर महादेव बोले की ओर से सुपर टैकल होने ना, सुपर टैकल इस समय पर कौन अगर टैकल करेंगे तो दो अंक मिल जाएंगे। किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेते हुए कृपया स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गोपू जी एक बार फिर से रेल पर। मेरे समस्त दलाशवासियों से आग्रह रहेगा एक बार जोर से चीयर कर दीजिए दोनों टीमों को अपनी तालियों से और लड़के लोग सीटियों से। मुकुल जी सुरेंद्र कश्यप लिख रहे हैं मुकुल देव की आवाज के दीवाने, बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र जी। अंक यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं जी हाँ, एक अंक और इजाफा यहाँ पर राजपुर की टीम पहुंची 7 अंकों पर और 7 पर ही महादेव वॉरियर दो टाई रेड है। सुपर टैकल तो नहीं है ना, अभी टीम पे होता है ना वो दो टाई रेड है, यहाँ पर अंक निकालना ही पड़ेगा, कोशिश की है लेकिन नहीं, रेडर यहाँ पर आउट हुए, अंक मिला राजपुरा को एक और 8-7 से राजपुरा आगे। फाइनल मुकाबला है और महत्वपूर्ण मुकाबला है, कोई भी रिस्क कोई भी टीम नहीं लेना चाहती। मुकुल जी राजू राजेश शर्मा लिख रहे हैं कौन जीत रहे हैं आप बताएं मुकुल जी कौन जीत रहे हैं यहाँ पे। अभी कुछ नहीं कह सकते, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, केवल एक ही पॉइंट आगे एक टीम चल रही है और अभी शुरुआती दौर है तो कुछ भी कहना यहाँ पर मुमकिन नहीं होगा। प्रयास अच्छा था लेकिन रेड खाली गई। सतना 5 नंबर काम एंड कंपोज इस समय पर अंक निकालना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। दो दो एक के कॉम्बिनेशन में कृपया स्ट्रीम को शेयर करते रहिए और इससे और सत्ताम को पकड़ तो लिया है और टी शर्ट पकड़ लिया वहां पर लो। जो लोग घर बैठे पूरा प्रसारण देख रहे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट्स में लेना तो चाहता हूं इस समय पर, कुछ देर में लेते हैं। हमारे बीच में राकेश बिन्नी जी आपके कमेंट्स लेंगे ऑनलाइन, रेडर हमारे बीच में गोपू जी एक बार फिर से राजपुर की ओर से रेड करते हुए, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है दोनों टीमों का इस लीग मैचेस में, फाइनल अब खेल रहे हैं और ऊंची कद काठी, रीच अच्छी है लेकिन दोनों टीमों में से कोई भी किसी दूसरे से कम नहीं। फुटबॉल के यहां पर कोशिश की थी, बहुत बढ़िया जोरदार तालियां एक बार, आपकी तालियों की गूंज लगातार
आती रहनी चाहिए, जोश रहता है खिलाड़ियों में भी। और जैसे जब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दलाश खेल रहा था वैसे चीयर किया कीजिए, मजा आएगा। अच्छी कोऑर्डिनेशन में यहां पे राजपुरा की टीम दिख रही है। थोड़ा सा वहां पर दिक्कत आई जितनी देर के लिए बात हो रही है। आप सभी लोग जो यहां पर इस समय पर लाइव भी देख रहे हैं और जो यहां पर दर्शक दीर्घा में भी है, आप सभी लोगों की जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दलाश की टीम है उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन आज किया। फाइनल में पहुंच के हारे हैं लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन था, एक बार उनके लिए जोर से तालियां बजा दीजिए। आपकी अपनी टीम है, कैसा प्रदर्शन था उनका? बढ़िया था, बढ़िया था, आवाज नहीं आ रही है, बढ़िया था, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। फाइनल मुकाबला यहां पर भी है और उस टीम ने तो दिल जीत लिया यहां पर दलाश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। ऑनलाइन भी हमें यहां पर दर्शक दीर्घा में भी हमारे बीच में 1000-2000 के आसपास लोग होंगे, ऑनलाइन भी 500 से ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं। आप सभी लोगों का इस्तकबाल है और यह जरूर कहेंगे कि फाइनल मैच है जिसमें राजपुरा की टीम की भी अगर हम बात करें और उसी के साथ जो हमारे महादेव वॉरियर्स देवटी की टीम है, दोनों एक से बढ़कर एक। रेड देने के लिए एक बार फिर से गोपू जी, लंबी कद काठी, सुपर टैकल ऑन है, अब देखें यहां पर क्या अंक निकाल पाएंगे। कोशिश अच्छी है, वहां पर टैकल करने के लिए पहुंचे लेकिन फायदा मिला लंबी कद काठी का, अंक निकालेंगे, दो अंक निकाले हैं अपनी टीम के लिए। स्कोर सुन लीजिए, राजपुरा पहुंचा है हमारा 12 पर और महादेव वॉरियर है 7 पर। राजपुरा इस समय पर लीड बनाए हुए और ऐसे ही एक एक अंकों की लीड जो है बाद में बहुत मुसीबत बन जाती है। ऑनलाइन जो ऑडियंस देख रहे हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग कहां से देख रहे हैं और वहां पे मौसम कैसा है और इस टीम में आपके इस मैच में आपके फेवरेट्स कौन है? ब्राकेश बिनी जी थोड़ी देर संभालिए ऑनलाइन। थैंक यू मुकुल जी। सुरेंद्र मेहरा जी लिख रहे हैं गुड, गोविंद राम गुड, भारद्वाज रजत शर्मा बहुत ही शानदार, राकेश बिनी शर्मा जी और मुकुल देव रक्षपति। लेकिन उसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें पहला हाफ हमारे बीच में समाप्त हुआ है, पहले हाफ की समाप्ति। प्रीतम राजपूत गुड, नवीन सैन जी लिख रहे ऑल द बेस्ट टीम नालागढ़, संजय चौहान गुड जॉब सर, और विमल कुमार वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं सैनी बंटी राजपुरा है, यहाँ पर चौहान साहब, अक्षु डोगरा पालमपुर, होना तो नहीं अभी नहीं चल रहा है, चलिए ठीक है, मैच के बीच में रहते हैं तो विकास गोस्वामी हमारे साथ कुल्लू से जुड़े हैं, राजपुरा स्ट्रीम को शेयर करते रहे, हल्ला कर दीजिए प्लीज, काफी कम लोग हैं राजपुरा के स्पोर्ट में। अच्छा जो ठाकुर बंदना जी सोलर से जुड़े हैं, सौरभ शर्मा नालागढ़, समझ नहीं आया कि कौन किसके स्पोर्ट में है। विकास जी यहाँ पे मौसम खराब है पर अभी बारिश रुकी है, राजपुरा के स्पोर्टर्स हल्ला कर दीजिए, महादेव वॉरियर्स के स्पॉटर हल्ला कर दीजिए, टफ कॉम्पिटिशन है हमारी ऑडियंस के बीच में भी। रवि शर्मा मंडी गुड, शाहिद मोहम्मद मुकुल भाई जय, सेकंड हाफ हमारे बीच में शुरू हो रहा है और पहला रेड। सुरेंद्र कश्यप लिख रहे हैं मुकुल जी मैं सोलन से हूँ, इस मैच चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ से आपका लाइव प्रसारण देख रहा हूँ, यहाँ बहुत गर्मी है। सुरेंद्र जी हम तो जिला कुल्लू के दलाश में है पर यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। फुटबॉल का चाहता बोनस निकाला है, नहीं निकाला है, बिल्कुल संजीव जी जुड़े हैं, बोनस मिला है यहाँ पे, योगेश शर्मा पाजी सच ज्यादा बोलते है, और मैं की मुकुल जी और बहुत आराम से यहाँ नीरज शर्मा जी हमारे साथ मंडी से जुड़े हैं, टैकल यहाँ पर एक अंक लेंगे आपके पैसे का, सत्ता 5 नंबर, अच्छे खिलाड़ी हैं, केवल यहीं पर नहीं देखा और जगह पर भी इनका खेल देखा है हमने, फुटवर्क अच्छा है, अग्रेसिव भी ठीक रहते हैं, लेकिन आज अभी इस मैच में क्या करते हैं वो देखना होगा। प्रदीप जी हमारे साथ नेत्र से जुड़े हैं, बिनी शर्मा गुड जॉब,
थैंक यू प्रतीक जी, क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। सुरेंद्र मेहरा वैजनाथ से जुड़े, कृपया स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। 15-10 का स्कोर इस समय पर, 5 पॉइंट आगे चल रही है राजपुरा की टीम। एक बार फिर से यहां पर रेड पर गोपू, देखते हैं क्या वो अंक निकाल पाएंगे। 5 अंकों का फायदा जरूर है, आगे जरूर है, लेकिन 5 अंक अभी दूसरे हाफ से पहले कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। और जिस तरह की टीम हमारे बीच में महादेव वॉरियर्स है, वो जल्द ही इसे खत्म कर सकती है। बात यह रहेगी कि कौन कितने मेहनत यहां पर करता है, दमखम दिखाता है। प्रयास अच्छा था, आराम से यहां पर एक अंक और बटोर लिया। रेडर आउट हुए हैं, स्कोर पहुंचा 16 राजपुरा का, 10 पर हमारे बीच में महादेव वॉरियर्स। और क्या आराम से यहां पर चकमा देकर निकले हैं, इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए, तालियां बजा दीजिए भाई, क्या बात है। सतनाम जी आ चुके हैं यहां पर फिर से रेट देने के लिए। सतनाम बहुत आराम से अपने साथ ही ले गए, एक अंक निकाला, स्कोर पॉइंट पर 18 राजपुरा और 11 इस समय पर महादेव वॉरियर। गोपू एक बार फिर से यहां पर रेट पर। रामकृष्ण जी हमारे साथ आने जाओ से जुड़े हैं, चमन कश्यप, कश्यप ही होंगे, नालागढ़ टुडे रैन, शर्मा अमन, बेस्ट ऑफ लक ऑल टीम। बहुत बढ़िया प्रदर्शन अभी तक हमें देखने को मिला इस टूर्नामेंट। यस रस्तोगी, गुड आफ्टरनून सर। चाहे वो ओपन टूर्नामेंट हो, चाहे बात हो जो प्रताप चंद जी लिखा है, आई एम एंजॉयिंग दिस मैच फ्रॉम जयगढ़ तांदी। सत्ताम एक बार फिर से, पिछली बार खिलाड़ी को अपने खेमे में साथ ही ले गए थे शर्मा जी हमारे साथ, क्या करते हैं देखना होगा। एक अंक और बटोर ठाकुर बूजी सिंह जी, जबरदस्ती एक एक करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। फिर से हमारे बीच में अब रेड करने के लिए राजपुरा के खिलाड़ी, अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है राजपुरा का इस पूरे टूर्नामेंट में। और धोखा खा गए, आगे की ओर बढ़े और पता ही नहीं चला कि पीठ के पीछे से हमारे सिंग इज किंग यहां पर रहे। तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया यहां पर उन्होंने टैकल किया। सतनाम एक बार फिर, और सतनाम बिल्कुल सेंटर लाइन के पास में है, टी शर्ट यहां पर पकड़ी, यार इस तरह नहीं करना चाहिए। चलिए एक वार्निंग यहां पे दी गई है। गोपू एक बार फिर से रेड पर, देखते हैं क्या अंक निकाल पाएंगे। स्कोर की बात करें, महादेव वॉरियर 14 अंकों पर है और 18 अंकों पर। ऑडियंस का जोश यहां पर, सभी जोश दिखा दीजिए, हल्ला कीजिए थोड़ा, क्या बात है तलाश, इसी तरह बात बनेगी कुछ। रीच बहुत ज्यादा है लेकिन किसी पॉइंट पे रीच नहीं कर पाए। सतनाम एक बार फिर जाएंगे, जो लोग महादेव वॉरियर के स्पॉट में है वो यहां पर हल्ला कर दीजिए, सतनाम जी को चेयर कीजिए, अंक निकालेंगे। राजपुरा वाले भी शानदार है, और एंकल होल्ड कर लिया है बड़े आराम से, सुपर टैकल था। 2 अंक मिलेंगे, कमेंट जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं, कमेंट ऊपर जल्दी जल्दी जा रहे हैं, सबके कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, फिर से हमें कमेंट कर सकते हैं, जरूर आपका नाम भी लेंगे। ऑडियंस की ओर से जोश देखने को मिल रहा है, थोड़ा और शक्ति बांटिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि शर्मा जी अपने तलाश को मिस कर रहे हैं, मेले को मिस कर रहे हैं। नीरज शर्मा, मैच कहां हो रहे हैं जी? मैच डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के तलाश में हो रहे हैं, आनी उपमंडल में तलाश की महिलाएं, और नरेंद्र ठाकुर हमीरपुर से देख रहे हैं, देखते हैं महिला शक्ति। कृपया आप सभी से एक अनुरोध है, स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। विकास गोस्वामी शर्मा जी गुड जॉब, थैंक यू सो मच। अब जो
आप लोगों की आवाज इतनी सी आई है, अब इसके बाद महिला शक्ति अगर ज्यादा रही दूरधार से हूं मैं, तो मेरी माताएं और बहनें आप लोगों से आग्रह है, कितने हैं आप लोग जरा शोर मचा के बताइए। यश यश बताया कि दलाश में मैच हो रहे हैं। एक दफा दोबारा जो मेरे भाई हैं, एक बार जोर से शोर मचा दीजिए। मुझे लगता है मैं महिलाओं को बोलूंगा, वो ऐसे दबा देंगी आप लोगों को अपनी आवाज में। महिलाएं एक बार दोबारा कर दीजिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया दलाश। एक दफा वैसे साथ में आप सबको करना चाहिए, लेकिन पहले मैच की ओर वापस लौटते हैं। सात नंबर यहाँ पर रेड पर है। तरुण कुमार जी लिख रहे हैं कि इनका मन नहीं कर रहा है खेलने का, जो ऐसा लग रहा है जबरदस्ती खेल रहे हैं, या तो पिच खराब है, किसका मन नहीं कर रहा है खेलने का। चार चार मिनट बचे हैं इस खेल में, और दर्शकों में जोर। ठाकुर संजीव राजपूत बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया। सामने से वीडियो बना लो, कब जब खत्म होगा तब बनाओगे। जब दूसरा नहीं, जब दूसरा नहीं, दूसरा जब आएगा हो गए, सच बुझ जाइए। चार मिनट बचे, गोपू यादव दो डायरेक्ट है, अंक निकालना ही पड़ेगा। क्या हाथ लगा है? नहीं नहीं, बिल्कुल लगा है, अंक मिला है यहाँ पर, तो डाई नहीं हुए, डू कर गए। हरीश शर्मा गुड मैच के पिटअप फ्रॉम सुंदरनगर, सुंदरनगर से हरीश शर्मा देख रहे हैं। और 21 अंकों पर हमारे बीच में, 21 अंकों पर राजपुरा है। इस गया है वो राइट बैठे कभी भी राइट है, 4 मिनट है तभी तो बोल रहा हूं, वीडियो बना लो टाइम के यार, क्या कर रहे हो, जल्दी कर लो भाई। लो चार मिनट से थोड़ा ऑडियंस कहाँ दिखेगी, ऐसे जाना यहाँ से कैसे जाना। चार मिनट से थोड़ा कम समय यहाँ पर हमारे बीच में रहा है, और 3 मिनट रेफरी का इशारा, 3 मिनट। राजपुरा यहाँ पर 7 अंकों की लीड पर है। जो जो लोग राजपुरा को जीतते हुए देखना चाहते हैं शोर मचा दीजिए, महादेव वॉरियर के स्पॉट में जो है शोर मचा दीजिए। दो डाई रेड है महादेव वॉरियर्स के लिए, अंक निकाल पाएंगे क्या? सारे निकालेंगे, कोई बोल रहा है वहां से, उम्मीद तो बहुत है, फलीभूत होती है वो देखना पड़ेगा। प्रयास अच्छा, रीच से बाहर, वापिस जाना पड़ेगा। एक अंक और बटोरा है, 2 मिनट बचे हैं, इशारा हो चुका है, तालियां बजा दीजिए दलाश वालों। आप इससे ज्यादा हल्ला कर सकते हैं, हल्ला मचा दीजिए, क्या बात है। अब यहां पर कोई आवश्यकता यहां पर लगता नहीं कि राजपुरा वालों को है, क्योंकि अंक तालिका में ऊपर बहुत है। राजपुरा इस समय पर हमारे बीच में 21 अंकों पर है, 15 अंकों पर महादेव वॉरियर है, 21-15। 2 मिनट से कम समय हमारे बीच में बचा है, जाओ इस पर आ जाओ। मुकुल जी अभी हमें 600 लोग देख रहे हैं, क्या कहना है? सभी लोग लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाए, कमेंट के माध्यम से जुड़े, और हाँ हमें भी फॉलो कीजिए, मुकुल देव रक्षपति, राकेश बिनी शर्मा और उसी के साथ निशांत सूद जी, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे मिल जाएंगे। टाइम आउट समाप्त हुआ, और इसी के साथ साथ रेड यहाँ पर शुरू होगी। सतनाम आए थोड़ी इंजरी लग रही होगी चेहरे पर, कृपया स्ट्रीम को शेयर करते रहे। सतनाम जी यहाँ पर प्रयास करेंगे, समय बहुत कम है, करना बहुत ज्यादा है, प्रेशर तो होगा ही, और उसके बीच में आप लोग प्रोत्साहित करने के लिए तालियां जरूर बजा दीजिए। दलाश वालों आपका टूर्नामेंट पूरी दुनिया देख रही है इस समय पर, और एक अंक मिलेगा यहाँ पर। 16 अंकों पर पहुंचे महादेव वॉरियर, अंक लेकर जाना पड़ेगा, अभी तू बाहर बैठना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होने वाला है, दर्शकों में खासा जोश,
गोपू यहाँ पर प्रयास, क्या बात है, नी होल्ड किया और तालियों की गड़गड़ाहट से दर्शक दीर्घा गूंज उठी। रेड यहाँ पर सतनाम, एक बार फिर से सुपर टैकल ऑन है, दो अंक मिलेंगे अगर टैकल कर लेंगे, सतनाम जी को रोक पाएंगे। और यहाँ पर सुपर टैकल हो गया, दो अंकों का इजाफा हो गया यहाँ पर। समय समाप्त और इसी के साथ हमारे बीच में आखिरी स्कोर रहा 23-17 यहाँ पर राजपुरा के 17 महादेव बोरे के। तलाश वालों, दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए और उसी के साथ साथ हल्ला मचा दीजिए, तालियां सीटियां, लड़कों सीटियां का है तुम्हारी। इसी के साथ जो हमारा ओपन कैटेगरी का टूर्नामेंट है राजपुरा ने जीत लिया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से इनके लिए, जोरदार तालियां। और चौहान साहब, मुझे लगता है अब आपके पास यहाँ पर लौटने का मौका है। प्रदीप चौहान जी हमारे सचिव महोदय, धन्यवाद। धन्यवाद मुकुल जी, बहुत ही रोमांच भरने के लिए दर्शकों में आपके द्वारा, और उसके साथ ही हम इस मंच के माध्यम तो जैसा कि आप लोगों ने देखा इस समय पर राजपुरा की टीम ने यहाँ पर बहुत आराम से यहाँ पर मैच जीत गया है, जीत चुके हैं और अब सामने की ओर आप देखें उनको भी भविष्य के लिए अच्छा प्रदर्शन करें ऐसी शुभकामनाओं के साथ दोनों टीमों के लिए बहुत। इसके बाद आप लोगों के बीच में रस्साकशी लेकर हम आएंगे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए बढ़ाते हुए, खासकर के जो पुरुष लोग हैं उनके लिए एक सरप्राइज है और हमें चेतना भी पड़ेगा, अभी सोए तो जागना मुश्किल होगा भविष्य में, इसलिए हमें भी महिलाओं के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, अन्यथा ये सारे जो क्षेत्र हैं इनके हैंडओवर हो रहे हैं, सभी इन्हीं के हाथ में जाएंगे, तो एक चुनौती है हमारे लिए, उसी के लिए एक प्रस्तुति देकर आ रहे हैं, एक जो हमारे लिए भविष्य के लिए प्रेरणा होगी। अब एक प्रस्तुति आप लोगों के बीच में यहाँ पर रहेगी, उसे अगली स्ट्रीम में आपको दिखाते हैं, फिलहाल के लिए स्ट्रीम को यहाँ पर बंद कर रहे हैं और बाकी के जो भी चीजें रहेंगी आपको अलग स्ट्रीम में दिखाएंगे। अभी के लिए लाइफ टाइम टीवी की ओर से मुकुल देव रक्षपति, निशांत सूद, राकेश बिनी शर्मा, आप लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगला लोक नृत्य अब आपके पास अगली स्ट्रीम में।